वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मॉर्निंग हो गई है और हम सब रेडी हैं बिल्कुल। और अभी मैं आपको नैना लेक का व्यू भी दिखा देती हूँ मॉर्निंग का। बहुत से लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और बोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जो भी हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं घूमने के लिए, उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू। ये देखिए, ये स्विमिंग भी कर रहे हैं लोग, बोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से एक बार आप व्यू देखिए, ये देखिए, ये हमारे रूम से दिख रहा है सारा व्यू और बहुत सुंदर लग रहा है। और अब तो हल्की हल्की सी धूप आ गई है, बट अर्ली मॉर्निंग ये और भी सुंदर लग रहा था। सो गाइज, हम इको केव गार्डन आ चुके हैं और यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ, पूरा जंगल बनाया हुआ है, टाइगर केव वगैरह बने हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइज। यहाँ रास्ता भी बड़ा वैसा है, व्यू टाइगर आ गया जल्दी। सो गाइस, ये देखिए कैसी केव बनी हुई है। हम यहाँ से निकल गए हैं अभी, टाइगर बुला रहा था। सो गाइस, ये पहले के टाइम की केव बनी हुई है, यहाँ पे टाइगर्स आते रहे। ये देखिए गाइस, तो ये बहुत ही पतला सा रास्ता आ गया, फंस ना जाए इसमें, फंस गए, फंस जाओगे, अकेले कट जाओगे। कि आपके लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, देखो कहाँ घुसना पड़ रहा है। यहाँ पर ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है, एकदम हाथ ठंडे हो गए हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा रास्ता आ गया है जो बहुत ही मुश्किल है, तो अब हम उतरते हैं। तो गाइस, अब हम केव से बाहर आ चुके हैं और कुछ रास्ता तो ऐसा था जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था, हम लोगों को सांस चढ़ चुके हैं। तो अब बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब हम एक दूसरे केव में आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का रास्ता कैसा है और हम इसमें एंटर कर रहे हैं वो केव और हम जा रहे हैं। चलो ले भाई, ये भी रुक जाना है क्या? और क्या, पोर्क्यूपाइन केव। चलो साथी कदम बढ़ाए जा। इन्होंने यहाँ लाइट्स लगाई है क्योंकि बिना लाइट्स के तो यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे बाबा, क्यों आगे बहुत तो बेकार रास्ता है। कैसा रास्ता है? बेकार रास्ता है। अच्छा, ओहो। सो गाइस, मेरे को एक बार बंद करना पड़ेगा कैमरा क्योंकि यहाँ कैमरा नहीं निकल पाएगा हमसे, फिर भी। सो गाइस, मिलते हैं अभी। हम आ चुके हैं, अब एक और केव थी जहाँ हम नहीं जा पाए। सो जो जा रहे थे वो भी वापस आ चुके हैं। फ्लाइंग फॉक्स केव है, तो हम भी यहाँ का एडवेंचर लेंगे। तो गाइस, ये देखिए कैसा रास्ता है और यहाँ लड़ाई हो चुकी है रास्ते में। गाइस, ये आ गई है एप्स केव। ध्यान से भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया है। कैसा है? बहुत बढ़िया। ऐसे ये करने नहीं आता, क्या करने आता? पूरे चढ़ के जाना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के। भाई दो चार आगे खड़े होते हैं ना खींचने के लिए। ये पूरा ही रास्ता ऐसे है, यहाँ निकलने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी।
ये एडवेंचर बड़ा मस्त है जो भारी पड़ चुका है, बैठ बैठ के आना है। गाइस अब आगे की तक रास्ता देखिए जरा। हाँ गाइस पसीने निकल चुके हैं। यहाँ पे चढ़ो पट्टी आप। हम स्केप करेंगे। तो गाइस ये देखिए, चलो हम स्केप करेंगे। चलो चलो गाइस देखिए सब आ रहे हैं। भाई हम फाइनली हम केव से बाहर आ चुके हैं। बार आप हमारी हालत देखिए, पसीने। हॉरिबल एक्सपीरियंस भाई, है तो एडवेंचर, वाकई आना है तो सबको एक बार जरूर चाहिए। यहाँ पे मस्ती है, एकदम से अंदर फील होता है जैसे था। हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को निकालने के लिए, बट अच्छा एक्सपीरियंस है। पेड़ दिखाते हैं, ये देखिए, ये क्या हो गया भाई, वाह रुस गया, नहीं बोलूंगा, बोल लेना है। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत लोग आए हुए हैं, मतलब लगा लीजिए नैनीताल तो पूरा पैक हो चुका है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। होटल बुकिंग नहीं मिल रही है अब तो ईजीली किसी को, जो पहले बुकिंग करा चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है, बट जो बिना बुकिंग कराए यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे पार्किंग की भी, हर चीज़ की। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है। गाइस देखिए यहाँ पे जाम एक बार, ठंडक तो हमें केव्स में ही बहुत मिल गई थी। आपसे ये देखिए गाइस कितना ट्रैफिक है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब यहाँ से जो नैना लेक का व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कहते हैं यहाँ से जो नैना लेक है वो बिल्कुल मैंगो की शेप में दिखाई देती है, और मैं अभी आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ नैना लेक का। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए मैं जितना कैप्चर कर सकती हूँ कर रही हूँ, बट यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से देखिए यार, बाकी बड़ा सही लग रहा है यार, यहाँ से थोड़ा नहीं कोहरा सा लग रहा है, और इसी से अच्छा लग रहा है। यहाँ देवदार के पेड़ हैं। आ गए हिमालय दर्शन के लिए, और अभी थोड़ी दूर पर यहाँ से एक बार आप व्यू देखिए हिमालय का। पे तुम्हारा फोन गिर गया। सो गाइस यहाँ पे ये देखिए पूरा दिखा दे भाई, तू दिखा दो, एकदम इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से हिमालय का, बहुत ही ज्यादा। हम यहाँ बैठ गए हैं थोड़ी देर, और ठंड हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हम पहाड़ों की मैगी एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ में आया, मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, तो अभी हम मैगी एंजॉय कर रहे हैं, है ना ये बेन? देखो मैगी, ए अपना दिखाओ, ये रही, सब मैगी खा रहे हैं लाइन से, ये रही, ये देखिए ये गाइस, ये हवा महल है यहाँ का, और यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी महसूस होती है। देखिए आप देख रहे होंगे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, बिल्कुल छोटा सा ही है, हम नहीं गए यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट ये फेमस है, यहाँ पे बहुत ठंडक महसूस होती है आपको, हवा लगती है। और भीड़ देखो, ताल लेक, और यहाँ से व्यू देखिए आप एक बार, मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं है, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। ये इसका यहाँ मतलब है कि गाय के जो खुर होता है ना उसकी शेप में ये लेक बनी हुई है, तो इसीलिए इसका नाम खुरपा ताल लेक रखा है।
मजा आ रहा है। देखिए लंगूर बंदर इनके साथ यहाँ सभी फोटोज क्लिक करा रहे हैं, हमने भी कराई है। सो गाइस आपने देखा होगा ये इतने आराम से बैठे हुए, मतलब ये किसी को कुछ नहीं कह रहा है, इनके साथ कितना भी फोटोशूट कराओ वीडियोस बनाओ और बड़े शांत तरीके से बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, बच्चे हों बड़े हों। तो बड़ा अच्छा लगा इनके साथ फोटोज क्लिक करा के। अब हम आ गए हैं लवर्स पॉइंट पे और यहाँ का रास्ता थोड़ा वैसा है उतरने में, ये देखिए ये है लवर्स पॉइंट, यहाँ पे रॉक्स बना रखी है, हटना ही हो गए हैं। ये देखिए ये देखिए चलने वाला है ना, ये वो रॉक है, ये देखिए नाम बताइए।